हमने की थी, उसके बाद मर्सी और कोल्डर ने 1772 ईस्वी में दोनों के प्रयासों से 28 मील लंबी लहर का निर्माण इन्होंने किया था। और इस तरह से हम कहेंगे कि ब्रिंडले ने जो प्रयास किया था उनसे 365 मील लंबी नहर का निर्माण हो चुका था। और इस तरह से इनके फायदे थे, माल ढोना आसान हो गया, भारी वस्तुओं को एक स्थान से दूसरी जगह आसानी से ले जा सकते थे, सरल हो गया। यॉर्कशायर और लंकाशायर में जो कोयले उद्योग था उसके लिए बहुत वरदान सिद्ध हुई, पहाड़ी क्षेत्रों में आवागमन आसान हो गया। और इस तरह से ब्रिस्टल, हिल, लिवरपूल, इन सब जितने भी औद्योगिक नगर थे, मैनचेस्टर, इन सब को नहरों से जोड़ दिया गया। और साथ ही हम कहेंगे कि नदियों को नहरों से जोड़ा गया। और 1788 से लेकर 1796 के बीच इंग्लैंड में एक नहरों की सनक पैदा हो गई, एक उन्माद पैदा हो गया। और इस तरह से सरकार की तरफ से ज़्यादा प्रयास किए गए। और इस तरह से 18वीं शताब्दी के अंत तक पूरे के पूरे इंग्लैंड में नहरों का जाल बिछ गया, और जो कितना था, 4000 मील लंबा था, और जिससे व्यापारिक नगर जितने भी थे नहरों से जुड़ गए। कल हम करेंगे रेलें।